प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 में लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों के भीतर देश के 18,500 गांव में बिजली पहुंचाने का ऐलान किया था, जिसे लेकर अब पीएम मोदी ने दावा किया है कि सरकार ने 12 दिन पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जिन 70 सालों में देश में बिजली की व्यवस्था नहीं सुधर पाई, वहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1000 दिनों में ही इसे कैसे सुधार दिया। क्या देश से अब मिट गया है अंधेरा? क्या देश का हर गांव अब रोशन हो चुका है? क्या मोदी सरकार ने 1000 दिनों में ही 70 साल का विकास कर दिया है? ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि सत्ता पर काबिज मोदी सरकार दावा कर रही है कि उसकी सरकार ने 1000 दिनों से भी कम वक्त में 18,500 गांव को रोशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। 28 अप्रैल 2018 को ऐतिहासिक दिन बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में यह दिन याद रखा जाएगा। हमारी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोसते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने 70 सालों के शासन में गांव का कोई विकास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार हर गांव से अंधेरा दूर करेगी। उस वक्त पीएम मोदी ने 1000 दिनों का लक्ष्य रखकर गांव-गांव रोशन करने का वादा किया था, लेकिन 12 दिन पहले ही पीएम मोदी ने लक्ष्य हासिल करने की बात कही है, जिसने सभी को चौंका दिया। सवाल उठ रहे हैं कि जो 70 सालों में नहीं हो सका, वो 1000 से कम दिनों में कैसे हो गया? जहां शहरी इलाकों में ही बिजली के ग्रिड लगाने में काफी वक्त लग जाता है, ऐसे में दूर दराज के गाँव में बिजली के खम्भे कैसे लगाए गए? क्या 2019 को देखते हुए ये मोदी सरकार का कोई दांव तो नहीं है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।